फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो अलग अलग स्टॉक को डिस्कस करेंगे। एक तो लार्ज कैप का शानदार स्टॉक है जो आने वाले समय में बड़ी गिरावट में आपके निवेश को सुरक्षित रख सकता है, वहां पे गिरावट की संभावना कम है क्योंकि काफी अंडर वैल्यू स्टॉक है, परंतु यहां पर बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। FMCG सेक्टर का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आने वाले समय में इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है फ्रेंड्स, वो एक पेनी स्टॉक है जहां पे आपके निवेश के सुरक्षित रहने की गारंटी तो कम है लेकिन रिटर्न के मामले में वो आपको वारे न्यारे कर सकता है। वो आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत ही बम्पर रिटर्न आपको दे सकता है, परंतु वहां पर निवेश डूबने की भी संभावना है। तो एक स्टॉक जो है वो आपके निवेश को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा परंतु आपका रिटर्न होगा वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन दूसरे स्टॉक में निवेश की सुरक्षा की गारंटी नहीं है लेकिन वहां पर रिटर्न अनलिमिटेड होगा, बम्पर होगा। तो दोनों स्टॉक को हम साथ में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक है FMCG सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी टोबेको कंपनी ITC लिमिटेड, बहुत ही पुरानी हिंदुस्तान की FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही शानदार कारोबार करती है कंपनी, लेकिन स्टॉक फिलहाल अभी बहुत कम प्राइस पे है। यहाँ से निवेश में करने पे आपको बहुत ज़्यादा इसमें तेजी की संभावना अभी बन रही है फ्रेंड्स। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक यानी ऊर्जा ग्लोबल। ये ग्रीन एनर्जी से संबंधित स्टॉक है जिसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। अभी फिलहाल बहुत ही छोटी प्राइस है इसकी, 7 रुपीज के आसपास का पेनी स्टॉक है, परंतु आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो दोनों स्टॉक को साथ में हम डिस्कस करेंगे, इनके भविष्य को जानेंगे और क्या इनमें हमें इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ITC की बात कर लेते हैं। बहुत ही पुरानी हिंदुस्तान की कंपनी है, करीब अंग्रेजों के टाइम से चली आई कंपनी है, टोबे का बिजनेस करती है, लेकिन अब इनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, आपको पता ही होगा, होटल का बिजनेस भी है ITC का, साथ में ITC के FMCG सेक्टर में लगातार इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं, सनफिस्ट ब्रांड है इनका बहुत पुराना, अब तो डेयरी प्रोडक्ट में भी इनके काफ़ी ब्रांड आ चुके हैं और हिंदुस्तान के FMCG सेक्टर में ये बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है धीरे धीरे। तो बहुत ज़्यादा कारोबार में वृद्धि हो रही है, Q4 का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 203 पर ओपन हुआ, 203 की इसकी हाई थी लेकिन लो बनाया 202 का और क्लोजिंग 202 पर, करीब 0.27% डाउन पर इसने दिए। फिलहाल के अगर सिचुएशन देखें तो स्टॉक निगेटिव जोन में है, गिरावट का माहौल बना हुआ है और सबसे बड़ी बात, इस समय एंट्री लेवल के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक 200 के ऊपर काफ़ी समय तक अगर ट्रेड करेगा तो ये स्टॉक ऊपर से तेज़ी से जा सकता है, वरना फिर ये अगर 200 के अंदर चला गया तो यहाँ से फिर गिरावट का माहौल बनेगा। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना होगा, परंतु ये निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए, ये आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, तो लगातार एक जैसा ही वॉल्यूम हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है, इसने 5.3 रुपीज़ का डिविडेंड भी बांटा है, तो लगातार अच्छा डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपका निवेश सुरक्षित रहने की पूरी जवाबदारी है, बड़ा इसमें गिरावट की कोई संभावना नहीं है, स्टॉक यहाँ से आगे जाएगा ही जाएगा और बहुत अच्छी उड़ान लगाएगा। इस बार इसकी उड़ान होगी, बड़ी होगी, काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा है परंतु अब ये बहुत जल्द नई उड़ान भर सकता है। अगर इसके 52 वीक के लो की बात करें तो 163 रुपीज़ का है लेकिन वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 239 की इसने हाई बनाई है और वहाँ से लगभग ये करेक्शन के दौर में काफ़ी समय से स्टॉक है। पिछले एक साल में इसने 23.91% का ही रिटर्न दिया, यानी काफ़ी कम इसने रिटर्न दिया है और 15.38% नीचे आ चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से कंपेयर करें तो -3.16% का रिटर्न मिला है। तो एक महीने में इसने गिरावट ही दिखाई है और अभी भी फिलहाल थोड़ा निगेटिव लग रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो गिरावट का है, स्टॉक नीचे की तरफ दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा इसमें आपको वेट करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके टेक्निकल लेवल फिलहाल न्यूट्रल बने हुए हैं, अगर फ्रेंड्स एक दो सेशन तक अगर ये 200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये आगे नई तेज़ी में जा सकता है और वहाँ से ये शानदार नया तेज़ी बना सकता है, तो तब तक थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना चाहिए, फिलहाल एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इसका निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, परंतु स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली कभी भी एंट्री कीजिए, ये स्टॉक आपको मालामाल करेगा, बहुत ही शानदार स्टॉक है। 10 साल का आप नजरिया रख के इसमें निवेश कर लीजिए, ये आपको डेफिनेटली मायूस नहीं करेगा, यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट को भी सुरक्षित रखेगा, बाजार में अगर बड़ा करेक्शन भी आ गया तो भी ये स्टॉक आपको 180 से जाते हुए नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगा, परंतु अगर 10 साल के लिए आप इसको होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, निवेश करके रखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है।
अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.78% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 31.79% की होल्डिंग है, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड ने 9.13% की होल्डिंग लेकर रखी है, जनरल पब्लिक के पास बहुत कम है 12.87% की होल्डिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 33.32% की होल्डिंग है। तो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आईटीसी की अगर बात करें तो 1910 में बनी हुई एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी बिल्कुल अंग्रेजों के समय बनी हुई कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2,49,131 करोड़ का है और कंपनी टोबैको सेक्टर का बिजनेस करती है। साथ में कंपनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पेपर बोर्ड्स बिजनेस है, होटल बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करती है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। साथ में अभी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाने लगी है कंपनी। क्वार्टर फोर में कंपनी ने टोटल इनकम 14,921.76 करोड़ की बताई है, जो 1.71% ज़्यादा है क्वार्टर थ्री से। क्वार्टर थ्री में कंपनी की टोटल इनकम 14,670.17 करोड़ की थी और 19.85% ज़्यादा है पिछले साल क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 12,449.92 करोड़ की थी। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो ग्रोथ में बढ़त हो रही है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,816.84 करोड़ का बताया, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखा है। लगातार कंपनी के कारोबार में वृद्धि हो रही है, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, इसमें निवेश बनाए रखें, यह बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर इसके शॉर्ट टर्म अगर आपको टारगेट देखने हो तो इसके पिवट लेवल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो 196 का इसका सपोर्ट है, स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 191 तक जाएगा और स्टॉक यहाँ पर भी अगर नहीं रुकेगा और बड़ी गिरावट हो गई तो ये 179 तक जा सकता है। तो इसमें बड़ी भयंकर गिरावट पर ये फिर से 180 के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर तेजी बनी तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 213 का है, स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो 225 तक जा सकता है और थर्ड इसका टारगेट 230 का है। तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये 230 तक वापस जा सकता है और मैं आपको बोलता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, एक एफडी बना दीजिए इसमें 10 साल की, ये आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आपको अच्छा रिटर्न भी देगा और आपके निवेश को भी सुरक्षित रखेगा। अब हम चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ, जो छोटा सा पेनी स्टॉक है, बहुत ही रिस्की है लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसका कारोबार, कंपनी के कारोबार बहुत अच्छे हैं। कंपनी सोलर प्रोडक्ट बनाती है, सोलर लाइटिंग का कारोबार है जो इंडिया में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और साथ में सोलर लैंप बनाती है, सोलर इन्वर्टर बैटरी बनाती है, बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट है, जैसे कि इनके पास लिथियम की बैटरियां का निर्माण करती है कंपनी, रिक्शा के लिए, बाइक के लिए बैटरियों का निर्माण करती है और कंपनी हर तरह के सोलर प्रोडक्ट बनाती है। इस वजह से इनका कारोबार बहुत अच्छा है क्योंकि सरकार ने ठान लिया आने वाले समय में पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी को आगे सपोर्ट करना है और ये इसलिए ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है, ये बहुत जल्द 3 डिजिट में स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई देगा। फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन 7.80 पर, हाई बनाई 7.80 की, लो 7.70 का, लेकिन 7.75 पर करीब 1.31% अप पर इसने क्लोजिंग दी है, तो पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग थी। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 59 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 40 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 34 लाख का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 31 लाख का वॉल्यूम था। थोड़ी सी वॉल्यूम में गिरावट है लेकिन फिर भी स्टॉक मजबूत बना हुआ, खरीदारी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.25 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से दौड़ते हुए स्टॉक 9.35 का हाई बनाया और अभी स्टॉक करेक्शन मोड से बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुका है, स्टॉक काफ़ी जल्दी ये बड़ी उछाल लगाने को तैयार हो चुका है। पिछले एक साल में इसने 244% का शानदार रिटर्न दिया है और 19.35% दूर हो चुका है ऊपर की अपनी हाई प्राइस से, वापस करेक्ट हो चुका है। पिछले एक महीने में इसने 13.97% का शानदार रिटर्न दिया है और स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो 1992 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 431.83 करोड़ का है और कंपनी आपको पता ही है सोलर ऊर्जा का काम करती है और क्वार्टर फोर का इसका कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने टोटल इनकम 55.33 करोड़ की बताई है, जो 40.36% ज़्यादा है क्वार्टर थ्री से। क्वार्टर थ्री में कंपनी की टोटल इनकम 39.42 करोड़ की थी और 78.59% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 30.98 करोड़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.99 करोड़ का बताया, तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत ही शानदार इसका कामकाज है और इसके जो टेक्निकल लेवल है बुलिश बने हुए हैं, मतलब आगे तेजी जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो आने वाले समय में इसमें क्या माहौल रह सकता है। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो फिर 6.80 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 5.85 का है और स्टॉक यहाँ पर भी अगर नहीं रुकेगा तो फिर थर्ड सपोर्ट पे जाएगा 5 रुपीज़ पे, तो बहुत बड़ी गिरावट में ये 5 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगर तेजी बनी तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका फ्रेंड 8.60 का है, स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 9.45 तक जा सकता है
और थर्ड इसका टारगेट 10.40 का है। तो बहुत ही जल्दी स्टॉक आपको 10:30 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह पैनी स्टॉक है, निवेश आपका पूरा डूब भी सकता है, तो बहुत ही मिनिमम निवेश करें, परंतु रिस्क लेने की अगर आप में ताकत है तो इसमें निवेश कीजिए। ये पैनी स्टॉक में बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसको कम से कम 5 साल के लिए अगर होल्ड कर लेते हो फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 200+ भी ज़्यादा वो दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आपके सारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड एक बात का ध्यान रखें, ये पैनी स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।